हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ का चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। तो इसमें आइए स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ते हैं कि हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं कि अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। तो किस तरह की जो प्रैक्टिसेस या अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है हम इलेक्शंस के टाइम में सुनते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपकी है इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन वोटर्स लिस्ट, कि मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की। दूसरी अगर हम देखें तो मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय रूलिंग पार्टी, कि शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की। थर्ड अगर हम बात करें तो एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज एंड कि अमीर जो उम्मीदवारों होते हैं उनकी बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंटीमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे, कि मतदान के दिन चुनावी धांधली होती है, मतदाताओं को डराना और हम ये कहें कि फर्जी मतदान करना जो है उस समय काफ़ी हम लोग देख सकते हैं। Many of these reports are correct. We feel unhappy when we read or see such reports, but fortunately they are not on such a scale as to defeat the very purpose of elections. This becomes clear if we ask a basic question: can a party win an election and come to power not because it has popular support but through electoral malpractices? This is a vital question. Let's carefully examine various aspect of this question. कि इनमें से अनेक खबरें सही होती हैं, ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता है, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियाँ इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें। इस परिपक्ष में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो यह बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करें। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन यानी स्वतंत्र चुनाव आयोग। तो चुनाव निष्पक्ष हुए या नहीं हुए इसे जांचने का एक सरल तरीका यह है कि यह देखना है कि उनका संचालन कौन करता है, कि हम कहें कि आर दे इंडिपेंडेंट और द कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस परसुएज देम, डू दे हैव इनफ पावर्स टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, डू दे एक्चुअली यूज दीज पावर्स, क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव बनाती है, या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है, क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग कर रहे हैं। द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर अवर कंट्री। इन अवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन ईसी। It enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoys. The chief election commissioner is appointed by the president of India, but once appointed the chief election commission is not answerable to the president or the government. Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the CEC, yani election commissioner. Very few election commissions in the world have such wide ranging powers as the election commission of
इंडिया, कि हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक हम कहें कि सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव का एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तो भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। दुनिया में शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत के चुनाव आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। अब भारतीय चुनाव आयोग जो है उनको कौन कौन से चुनाव अधिकार जो हैं वो प्राप्त हैं वो हम पढ़ते हैं। इट टेक्स डिसीजंस ऑन एवरी एस्पेक्ट टू कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। चुनाव आयोग का अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू का निर्णय लेता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और उसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। फिर हम बात करें तो इसमें नेक्स्ट आता है आपका, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड ऑफ ईसी कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर्स टू एनचांस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शंस और टू ट्रांसफर मोर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने के आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इलेक्शंस आर व्हेन ऑन इलेक्शंस ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द ईसी एंड नॉट द गवर्नमेंट। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं। फिर हम कहें इन द लास्ट 25 ईयर्स और सो द इलेक्शन कमीशन हैज बिगिन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर एंड इवन एक्सपेंड दैम। इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू रिपेमेंट द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर लैप्सेस। व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल्स कम टू द ओपिनियन दैट पोलिंग वॉज नॉट फेयर इन सम बूथ्स और इवन एन इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी दे ऑर्डर अ रीपोल। द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक दैट द ईसी डज वॉट द ईसी डज बट दे हैव टू ओबे। दिस वुड बी हैव टू हैपन इफ द ईसी वॉज इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। कि पिछले करीब 15 वर्षों के दौरान चुनाव आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है, साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह काम बात हो यह एक आम बात हो गई है कि चुनाव आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारी को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश देते हैं। अक्सर शासक दलों को चुनाव आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें चुनाव आयोग के आदेश मानने होते हैं। अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो शायद यह संभव नहीं हो पाता। अब यहाँ पर जो है कहाँ पहुँचे कहाँ समझे से है ये कि ईसी इश्यूज़ नोटिफिकेशन टू लोकसभा, ये इस तरह से जो ईसी के जो डिसीजंस हैं चुनाव आयोग के जो डिसीजंस हैं वो यहाँ पे स्ट्रिप्स के थ्रू न्यूज़पेपर कटिंग्स के थ्रू यहाँ पे हमें दिए गए हैं। अब है ये पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पॉपुलर पार्टिसिपेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि चुनाव में लोगों की क्या भागीदारी होती है, कि लोग जो है किस तरह से पार्टिसिपेशन करते हैं भागीदारी करते हैं चुनाव के लिए। अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज टू सी द इलेक्शन प्रोसेस इज टू सी वेदर द पीपल पार्टिसिपेट इन इट विद एंथुसियाज्म। इफ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री और फेयर पीपल विल नॉट कंटिन्यू विद पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। नाउ रीड दिस चार्ट्स एंड ड्रॉ द सम कंक्लूजन अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ इन इंडिया। कि हम कहें कि चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका यह देखना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी लेते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी
तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन लेखा चित्रों को हम पढ़ेंगे और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। तो पहला इन्होंने दिया है वोटर्स टर्न आउट इन इंडिया एंड द यूके। यूके और ब्रिटेन और भारत के जो चुनाव हैं उनका मतदान जो है उसका प्रतिशत यहाँ पे हमें दिया गया है। 1991 में जैसे भारत में जो है हम कहें कि 56 है और यूके में 78 है, इसी तरीके से ये जो कर्व है ये हमें दिखा रहा है कि किस तरह से 2015 तक जो है इंडिया और ब्रिटेन यूके जो है दोनों के ही हम कहें कि आंकड़े जो है वो सेम है चुनाव में भागीदारी लेने वाले लोगों की। तो जैसे फर्स्ट उन्होंने दिया है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर बाय वोटर्स टर्न आउट फिगर। टर्न आउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट्स। ओवर द लास्ट 50 ईयर्स द टर्न आउट इन द यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइन। इन इंडिया द टर्न आउट हैज़ आइदर रिमेन स्टेबल और एक्चुअली गोन अप। कि चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। भारत में तो हम कहें कि यह या तो स्थिर है या फिर ऊपर गया है, यानी काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं अगर हम देखें तो इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है लोगों का तो वो चेंज हुआ है, उसमें लोग काफ़ी अवेयर हुए हैं रिगार्डिंग द वोटिंग सिस्टम। सेकेंड अगर हम बात करें तो इन इंडिया द पुअर इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन लार्ज प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द रिच एंड द प्रिविलेज सेक्शन। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पुअर पीपल अमेरिकन अफ्रीकन्स अमेरिकन्स एंड द हिस्पेनियस वोटर्स मच लेस देन द रिच एंड द वाइट पीपल्स। की भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम में लोकतंत्र में स्थिति इससे उलट है। अमेरिका में गरीब लोग अफ्रीकी मूल के लोगों और हिस्पेनिक लोग जो हैं अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं। फिर अगर हम कहें तो किस ये इन्होंने फिर जो है सोशल ग्रुप दिया हुआ है कि सामाजिक जो हैं तो ये जो है 56% जो है आपका अपर कास्ट ने किया है, ओबीसी ने 58% किया है, एससी ने 60% है, एसटी ने 61% है। तो ये इस तरह से जो है हमने कंपेयर किया है। थर्ड अगर पॉइंट हम बात डिस्कस करें तो कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस टू इलेक्शंस। दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम। दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रिटर्न इन द कंट्री। कि हम कहें कि भारत में आम लोग चुनाव को बहुत कम महत्व देते हैं, उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पे के ऊपर जो है अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश में शासन संचालन के तरीके से वोट का महत्व और बढ़ जाता है। फिर अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शंस रिलेटेड एक्टिविटीज हैज़ बीन इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स। ड्यूरिंग 2004 इलेक्शंस मोर देन वन थर्ड वोटर्स टुक पार्ट इन द कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्व एज बीइंग क्लोज टू वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टी का। वन आउट ऑफ एवरी 7 वोटर्स इज अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कि साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2004 के चुनाव में एक तिहाई से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह से भागीदारी की। आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति जो है किसी न किसी राजनीतिक दल से का सदस्य होता है। और यहाँ पे जो है इन्होंने फिर जो है इलेक्शन ईयर दिए हुए हैं और किस हिसाब से जो है परसेंटेजेस हैं वो हमें दिया हुआ है। फिर इसमें नेक्स्ट आपका है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, चुनावी नतीजों को स्वीकार करना।
One final test of the free and fairness of election has in the outcomes itself. If elections are not free or fair, the outcome always favors the powerful. In such a situation, the ruling parties do not lose elections. Usually the losing party does not accept the outcome of a rigged election. कि चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही हैं. अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाते हैं. ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है, और हम कहें कि जो है आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती. भारत में चुनावी नतीजों के जो हैं कुछ खुद ही काफ़ी हद तक इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं. जैसे कि हम बात करें, द रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल. इनफैक्ट इन द एवरी टू आउट ऑफ थ्री इलेक्शंस हेल्ड इन द लास्ट 25 ईयर्स द रूलिंग पार्टी लॉस्ट. शासन भारत में शासन जो है दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते हैं. बल्कि पिछले 15 वर्षों में हम कहें कि भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें प्रत्येक 3 में से 2 शासक पार्टियों की हार हुई है. इन द US एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव्स रेयर लॉसेस एंड इलेक्शंस. इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग MPs एंड MLAs लॉस इलेक्शंस. कि अमेरिका में मौजूद चुनाव हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है. भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे ही चुनाव हार जाते हैं. अब इसमें हम आगे देखें कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो चुनौतियां हैं उनके बारे में. ऑल दिस लीड टू सिंपल कंक्लूजन. इलेक्शंस इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर. द पार्टी वुड दैट विंस एन इलेक्शन एंड परफॉर्म गवर्नमेंट डज so because people have chosen it over it reveals. This may not be true or for every constituency. A few candidates may win purely on the basis of money, power and unfair means. But the overall verdict of a general elections still reflects the popular preference. There are very few expectations to this rule in the last 60 years in our country. This is what makes Indian elections democratic. कि इन बातों से हम सरल से एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं. जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है. संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में यह बात लागू नहीं होती. कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से हम कहें कि चुनाव जीत सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है. पिछले 50 वर्षों में अगर हम देखें कि देश में इस सामान्य नियम को थोड़े बहुत अपवाद हैं, और यही चीज़ भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है. इसके बाद में हम कहेंगे पर जब आप थोड़े ज़्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी. क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीज़ें जानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मतदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों की और हमारा ध्यान दिलाते हैं. ये कुछ मुद्दे जो हैं हम कहें कि इस तरह से हमारे सामने आते हैं. तो कौन कौन से मुद्दे जो हैं स्पष्ट और चुनाव को लेकर आते हैं, तो उसमें हम पहले बात करें कि ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगी यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है अगर हम बात करें तो. सेकंड, अगर हम बात करें तो देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनावी मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के निकट पाने में सफल होते हैं. सेकंड, थर्ड, अगर हम बात करें कि अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा सकते हैं. फिर अगर हम अगला इसमें डिस्कस करें कि अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार कमोबेश से हम कहें कमोबेश एक से होते हैं, कि दोनों की दोनों जो पार्टीज़ होती हैं वो एक जैसे ही होती हैं. फिर अगर हम बात करें कि बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों का निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं. दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन द इंडिया बट ऑल्सो इन मैनी इस्टाब्लिश डेमोक्रेसीज. दीज डीपर इश्यूज आर अ मैटर
matter of concern for those who believe in democracy. That is why citizens, social activists and the organizations have been demanding reform in our election system. Can you think of some reforms? What can an ordinary citizen do to face these challenges? कि ये चुनौतियाँ भारत को ही नहीं कई स्थापित लोकतंत्रों को भी की भी स्थिति है. लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीज़ें गहरी चिंता का विषय हैं. इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में ज़रूरी बदलावों की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती है. क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है? तो इसी के साथ में स्टूडेंट्स, अगर हम कहें कि किस तरह से कि इलेक्शंस को लेकर कितने सारे पॉलिटिक्स जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस की और किस किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है रिगार्डिंग इलेक्शंस हमारे किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में या किसी भी नेशन में जो फेस करते हैं, वो चीज़ें हम सब यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्शन इज़ नॉट द ईजी टास्क. ये आसान काम नहीं है और सबसे बड़ा चैलेंज इसमें ये होता है कि ये फेयर हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, इसमें किसी भी तरह की धांधली नहीं हो. तो इन सभी चीज़ों को मेनटेन करना बहुत ही हमें कहें कि एक टफ जॉब हो सकता है. और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.